नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल नेगी एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पारुल नेगी ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग फिर से आज मैं किचन से ही शुरू कर रही हूँ, जैसे मतलब ऑफ की तरह आज भी मैं किचन से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना। और मौसम की बात करें तो मौसम भी आज ऐसी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी देख सकते हैं आप, ये बादल लगे हुए हैं और बारिश भी हो ही रही है, देखो बूंदाबांदी। स्कूल जा रहे हो? अच्छा, उसको सीधे जाने जाने का शौक है। बाय बाय कर दे थोड़ा, बाय बाय बाय। हाँ जी ताई जी, बताइए आप इतना आक्रोशित क्यों थे सुबह सुबह? अरे इसलिए थे। हाँ, इस रास्ते से आना। हाँ, क्या ला रही इतना सब मोल? मैंने कहा वजन कितना है मेरा? भारी था वो, मैंने देखा वो गीला मोल था। हाँ सही है, तुम्हारे पहन के मैंने कहा तो लड्डू का सिलान तेरे को, लड्डू के घर आए तेरे को है? अरे साले सवाल का जवाब देना ना, ये जो ऊपरी कोट भर आण गो कि साले चाल चले चतुर काक की है और भाषा बोले शेष नाग की। वेरी गुड, आपको तो इतने पॉइंट आते हैं ताई जी को, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट। और ताई जी भी ताई जी भी इंटर पास है। अरे इंटर पास, ऑटो पास माई। अच्छा ऑटो पास, मेरी इतनी तकड़ी है उस समय की ऑटो पास। हाँ वाले भी बैठ जाएंगे ना। सही बोला आपने, सही बोला, उस समय का ऑटो पास इंटर पास के बराबर था। और ताई जी ना इतनी टैलेंटेड है ना, छह बार रही थी अंग्रेजी स्कूल, इंग्लिश 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 में इतना निपुण है कि क्या बोले। चला और कुछ नहीं चला, बेचारा है ना, चला पर ब्याह और ब्याह। सही बात, पर ब्याह लगा ला तुम्हारे। हां मैं गुस्सा आई थी, देख आई रे जाओ ले मेरे को है सर, जाओ जाओ जाओ। और ताई जी भी काफी आक्रोशित थे, अब वो भी चले गए हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है गांव गले में, ऐसी बातें होती रहती है। पर बुलबुल देखो जरा, बुलबुल तो आज पूरा बना रखी है मूड की मुझे स्कूल जाना है। बाय बुलबुल, मम्मा को बाय कर दो, बाय बाय सोनी, बाय डॉली, बाय। ऊपर देखना मम्मा को, हेलो कर दो, हेलो। ये देखो ये चली सड़क में उसकी बुढ़ी जी और वो दोनों के दोनों सुबह सुबह स्कूल जाने पे। ये बुलबुल के ये पीहू का बैग था ना बचपन का, जब पीहू छोटी थी बुलबुल के बराबर तब का बैग है। और ये इसके दादाजी ने लाया था उसके लिए, देहरादून से लाया था, शौक था ना उसे भी ऐसी और बच्चों की तरह स्कूल जाने का, अब काम आ रहा है बुलबुल के। चलो कोई नहीं, ऐसे ही होता है, फर्स्ट बेबी का सेकंड बेबी में काम आ जाता है कोई भी चीज़। वो टहल के उधर वाले गेट से निकल के इधर वाले गेट से ऊपर, ये देखो ये आ गई बुड्ढी जी को कि ले जा लो उसको आगे तक घुमाने, आगे तक ना, जाओ जाओ घूमी घूमी करके आओ जाओ, उसका मन ही नहीं है और घूमने का मन। बाय, ये क्या है सब चीज के बारे में, ये क्या है वो क्या है पूछती है। और ये भी देखो यहाँ ये गोबर निकालते हुए। चलो बढ़िया है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। अभी मेरा चढ़ चुका है गैस में, पक रहा है अभी दाल और चावल ना, पूरा कोरा कोरा हो रखा है, ये देख सकते हैं शाम के टाइम पे। यू भी वहाँ पे होमवर्क कर रही है, होमवर्क कर ले मैंने कहा। और मौसम मौसम तो क्या, अब रात होने वाली है, लेकिन देखो जरा कितना कोरा लगा है, अंधेरा अंधेरा सब पहले, अंधेरा होने से पहले ही अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, घुटन सी लग रही है, अजीब सा। और
थोड़ा गंदा सा भी लग रहा है ऐसे वाले मौसम में, क्योंकि आज थोड़ा ऐसी बात सुन के भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आज हमारे गांव के एक मतलब एक थे हमारे गांव में ना, दुकान है उनकी नीचे गांव में, उनकी डेथ हो गई ना, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है सुन के, बहुत बुरा लगा। ये दादी और मेरे ससुर जी वहाँ गए हुए थे उनके यहाँ, अभी आए तो उन्होंने, हम तो दिन में सो रखे थे, हमें पता भी नहीं चला, लेकिन उन्होंने बताया कि गांव के उनकी डेथ हो गई है। तो थोड़ा अजीब सा लगा, गंदा सा लगा, क्योंकि देखे हुए थे ना, जब जो इंसान ज़्यादा देखे हुए रहते हैं उनका के बारे में सुनो तो तब थोड़ा लगता ही है, तो काफ़ी बुरा लगा। इनकी शक्ल मतलब याद आ रही, ध्यान आ रहा है कि हाँ वो हैं, बस एक बुखार से ही बेचारे भगवान चले गए दुनिया से, क्या करना ना, भगवान भी ऐसे ही है। इतने जवान थे बेचारे, ऐसे भी नहीं थे कि यंग थे, भी ठीक थे मतलब ना, क्या करें। तब थोड़ा अजीब सा लग रहा है ये एक मौसम भी आज ऐसा ही गंदा सा हो रखा है, इस मौसम में भी ऐसे मौसम में ज़्यादा ही लगता है ना। देखो जरा आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब हमारे छत तक आ रखा है, पूरा कोहरा है, देखो सामने का घर भी नहीं दिख रहा है। कर दिया करो तब चुप हो जाएगा, तब बताओ बुलबुल क्या मत क्या है वो एप्पल एप्पल कैट कहाँ है कैट डॉग कहाँ है डॉग डॉग बॉल बॉल कहाँ है बॉल 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 गुड गुड वेरी गुड आता है उसको काफी आता है। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप अगर आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई सवेरे के साथ कल। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।